क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो बच्चों, जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। यस सर। आज देखेंगे भी। आ जाइए। कम, ये कौन है? ये कौन है भाई? अरे ये कौन है? ये है आपकी नई क्लास में। चंदा सहाय, चंदा सहाय, तो आप इनकी मदद करेंगे? यस सर। क्या आप इनकी मदद करेंगे? यस सर। घोड़ा बनेंगे या खच्चर? घोड़ा। वेरी नाइस। चंदा बैठो। औरतें लगाती हैं माथे पे बिंदी, और ये मैडम अब पढ़ने आई हैं इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिखता। आइए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 18 इजकल टू 0। आज तो खुश होना चाहिए तुझे, आज तो तेरे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। हाँ, इस बात की तो खुशी है। हाय, मैं स्वीटी, ये पिंटू है। वो अपेक्षा, अपेक्षा आ ना, नखरे मत कर। वैसे मस्त जवाब दिया तूने उस खड़ूस को। ये सब तो इसने सिखाया अमन ने। वैसे इसका सर नेम भी सहाय है। क्या कर रही है? खाना फिर से खा लो। किनारे से, किनारे से। क्यों? बस चुपचाप निकल लो। लेना। अरे तुम दोनों की सब्जियों का टेस्ट तो सेम है। कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, हर खाने में जान डाल दे MDH के मसाले। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मेहताबाग। अप्पू भी वहीं रहती है क्या? आगे मेहताबाग के बहुत आगे, बहुत दूर है। अच्छा। भी आ जाए बस। मिल गई तुझे खुशी? वो खड़ूस मेरी खिल्ली उड़ा रहा था और तू हंस रही थी? ना अप्पू, मैं बिल्कुल नहीं हंसी, तेरी कसम अप्पू। सब हंस रहे थे, मैंने देखा तू भी हंस रही थी। तू पास होगी तो कोई क्यों हंसेगा लल्ली? ये ज्ञान ना, तू स्वीटी और पिंटू को ही दिया कर। पास क्या हो गई, खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगी है। अरे बाई है तू, बाई। अच्छा, तुझे ये दुख नहीं है कि तू फेल हुई है? तुझे ये मेरे से लग रही है कि एक नौकरानी पास कैसे हो गई? बहुत अच्छे अप्पू, शाबाश। हाँ तो क्यों लगे मिर्ची? दोस्त भी सारे छीन लिए मेरे। मैंने कोई दोस्त वोस्त नहीं छीने, उन्हें शरमाने लगी तेरे साथ रहने में, समझी? तुझे क्या लगता है सिर्फ अच्छे नंबर तू ही ला सकती है, मैं नहीं ला सकती? तेरी औकात होती ना अच्छे नंबर लाने की तो ली आती अब तक, और मुझे मर मर के दो दो लोगों की फीस नहीं भरनी पड़ रही होती। हाँ तो छोड़ देना स्कूल। वाह, फेल तू हो बार बार और स्कूल मैं छोड़ू है? अगर मैं पास हो गई तो छोड़ देगी स्कूल? नहीं, पर अगर मैथ्स में तो मुझसे ज्यादा लंबा लिया ही तो छोड़ दूंगी। हाँ तो ठीक है, अगर इस बार छमाई की मैथ्स में तुझसे ज्यादा नंबर लाके नहीं दिखाई ना, तो मेरा नाम भी अप्पू नहीं। और अगर मैंने तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई ना, तो मैं तेरा नाम रखने वाली तेरी अम्मा नहीं। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, कहिए। जी मैं चंदा, चंदा सहाय, डॉक्टर दीवान के जहाँ मिसरानी का काम करती हूँ। डॉक्टर दीवान के यहाँ? जी। अच्छा, पर अभी आपके लायक यहाँ पे
अभी आपके लायक यहाँ पर कुछ काम नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैं काम मांगने नहीं आई थी, वो एक चीज पूछनी थी आपसे। मुझसे पूछिए। आप जैसा बनने के लिए कौन से कॉलेज में जाना पड़ता है? आपका मतलब कलेक्टर बनने के लिए कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा? जी मतलब जैसे इंजीनियर बनने का कॉलेज होता है, डॉक्टर बनने का कॉलेज होता है, तो वैसे ही जे कलेक्टर बनने के लिए कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा? वैसे कोई कलेक्टर का कॉलेज नहीं होता, किसी भी साधारण कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद UPSC की परीक्षा देनी पड़ती है। एक मिनट बद्री, चाय लाना। लिख लेती हूँ जी। UPSC चाय पीजिए। नहीं और सब पैसे कितने लग जाते होंगे? ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन हाँ मेहनत बहुत लगती है। और जे इम्तहान के लिए जे कोचिंग सेंटर और ट्यूशन में भी जाना पड़ता होगा? कुछ लोग जाते हैं, मैं नहीं गया था, पैसे नहीं होते थे। एक साल अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? जी मेरी बेटी अप्पू अपेक्षा के लिए। ओह बहुत बढ़िया, तो आपकी बेटी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है? हाँ अब... मेरा मतलब कलेक्टर बनना चाहती है। आपके मुंह में घी शक्कर साहब। अरे चाय तो पीजिए। बस जय UPSC का पता करना था। नमस्ते। अच्छा अच्छा एक सेकंड रुकिए बद्री। जी साहब। राम सिंह को बोलो मैडम को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दे। जी नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं तो आते जाते रहती हूँ। कोई बात नहीं, वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू साहब, गुड लक। ये ले। अरे ले ना, ये देख मेरा न्यू स्टाइल कैसा है? मस्त है यार। और ये देख, अच्छा है। क्या हुआ अप्पू, कुछ तो बोलना। ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी है? हाँ तेरे दिमाग में चल क्या रहा है अप्पू? तुझे देख के ना हम लोग भी फर्स्ट बेंच पे पहुंच गए और तू फिर पिछली बेंच पे पहुंच गई। पता है लोग वहाँ प्रीबोर्ड की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और तू पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। अप्पू चल यार छुट्टी। ये चल क्या रहा है? तुझसे मतलब? चंदा कहाँ है? मुझे क्या पता, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे सब पता है और तुम्हें कुछ नहीं। क्या क्या पता है? यही कि वो तुम्हारी माँ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आजकल वो कहाँ जाती है, क्या करती है। हाँ पता है। अप्पू तेरे पास सवाल बहुत है लेकिन तूने उनके जवाब ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। याद है मैंने क्या कहा था? सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा होता है। कहाँ जा रहा है? 8:30 बजे दिल्ली गेट में मिलो। एक बात हमेशा याद रखियो लल्ली, तेरा सपना ना सिर्फ और सिर्फ तेरा है,
तुझे पता है ज्यादातर लोग तेरे सपने पे हंसेंगे। उन्हें ना भाड़ में जाने को कहियो, वे तेरा सपना नहीं मार पाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तेरे सपने को समझेंगे। उन्हें गले से लगा के रखियो, वे तेरा सपना जिंदा रखेंगे। तेरे रास्ते में ना दिक्कतें और मुश्किलें भी आएंगी, पक्की बात है, लिखवा के ले ले। पर जी हमेशा याद रखियो कि जो अगर तेरे सामने तेरा सपना है ना, तो चाहे जौन सी भी दिक्कत हो, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बस अपने सपने को अपनी नजरों से दूर मत होने दीजो। तुझे पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी है ना, तो बस चाहिए हमारा सपना। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता।